आज सर्वोदय नगर में भागवत कथा का चतुर्थ दिवस था, जिसमें भागवत आचार्य आचार्य पंडित ज्ञानेंद्र मिश्र जी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर चित्रण लोगों को सुनाया। भागवत आचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण का जन्म वासुदेव और देवकी के गर्भ से कारागार में हुआ था। वासुदेव ने श्री कृष्ण को गोकुल में यशोदा के यहाँ दे दिया था, जहाँ यशोदा ने अपने लल्ला कान्हा को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला। भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही नटखट थे। जितना यशोदा मैया और नंदलाला उनके नटखट अंदाज से परेशान थे, उतना ही वहां के गांव वाले भी। कृष्ण जी अपने मित्रों के साथ मिलकर गांव वालों का माखन चुरा कर खा जाते थे, जिसके बाद गांव वाले उनकी शिकायत मैया यशोदा के पास लेकर पहुंच जाते थे। इस वजह से उन्हें अपनी मैया से डांट भी खानी पड़ती थी। कालिया नाग का वध श्री कृष्ण की प्रचलित बाल लीलाओं में से एक है। एक बार श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद से खेल रहे थे। अचानक गेंद यमुना नदी में चली गई और बाल गोपाल के सारे मित्रों ने मिलकर उन्हें ही नदी से गेंद लाने को भेज दिया। बाल गोपाल भी एकदम से कदम के पेड़ पर चढ़कर यमुना में कूद गए। वहां उन्हें कालिया नाग मिला। श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम के साथ मिलकर जहरीले कालिया नाग का वध कर दिया। आज समाज में प्रतीकात्मक रूप से जगह जगह कालिया नाग बैठे हुए हैं, जिन्हें हमें पहचानना है और उनसे दूरी बनाकर चलना है। हमेशा अच्छे काम करिए, लोगों की भलाई कर रही है, गरीबों की मदद करिए, असहाय की सहायता कीजिए, वृद्धों की सेवा की कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए। इससे बड़ा भागवत कथा का कोई सार नहीं हो सकता। आज यजमान महेंद्र द्विवेदी व उनकी पत्नी रेखा रहे। भागवत में रामबाबू पांडे, दिनेश शिवहरे, सुनीता शिवहरे, अजय द्विवेदी, नरेंद्र कुमार मिश्रा, बाल कृष्ण यादव, श्याम बाबू आदि समस्त सर्वोदय वासियों ने भागवत कथा में संपूर्ण सहयोग और योगदान किया। रिपोर्टर नवल तिवारी, वीपी भारत न्यूज चैनल, क्राइम ब्यूरो, बांदा।